पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में रंगदारी के कारण डॉक्टर समेत तमाम संभ्रांत लोगों की नींद हराम करने वाले बदमाश धर्मेंद्र सिंह को आखिरकार एसटीएफ ने मार गिराया। एसएसपी एसटीएफ अमित पाठक ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि आसपास के जिलों में कुल 37 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे। स्वचालित हथियारों के साथ धर्मेंद्र सिंह के गोरखपुर पहुँचने की सूचना मिलते ही जिला पुलिस के अलावा एसटीएफ के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। आनंद फानन में सभी जिलों की एसटीएफ को झोंक दिया गया। एडिशनल एसपी एसटीएफ अरविंद चतुर्वेदी ने भी कल शाम से ही गोरखपुर में डेरा डाल रखा था। एसटीएफ के मुताबिक धर्मेंद्र सिंह डी ग्रुप 9 को लीड कर रहा था। उसे बिहार से असलहों की प्रॉपर सप्लाई भी होने लगी थी। डीजीपी द्वारा एसटीएफ टीम को 50,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। एसएसपी एसटीएफ अमित पाठक ने बताया कि बदमाश धर्मेंद्र सिंह को खोराबार थाना क्षेत्र के रामनगर करजहा फोर लेन पर दबोचा गया, जो बाइक पर अपने एक साथी के साथ आ रहा था। मौका मिलते ही बाइक चला रहा साथी फरार हो गया, जबकि धर्मेंद्र ने पोजीशन लेते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस दल का एक सिपाही घायल भी हुआ। लेकिन इस बीच में धर्मेंद्र सिंह को गोली लग गई और जब तक उसे पुलिस कर्मियों ने खोराबार अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसने दम तोड़ दिया था। उसके खिलाफ हम लोगों ने बहुत ही बृहद एक अभियान चलाया हुआ था, क्योंकि उसके द्वारा लगातार ऐसी घटनाएं करी जा रही थी जिसमें हत्या, रंगदारी और एक बहुत बड़े नागरिक वर्ग को उसने प्रभावित कर रखा था, जिसमें हर प्रकार के व्यक्ति थे, चाहे वो पेशे से चिकित्सक हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो ऐसे भी व्यक्ति थे जो उसके आस पड़ोस में रह रहे हों, पड़ोसी हों, किसी से भी वो रंगदारी मांग रहा था, किसी से भी उसको लूट करने जब चलता था तो गोली चलाता था, जिसमें अभी थोड़े दिन पहले उसने एक डबल मर्डर भी किया। तो बहुत ही मनबढ़ और डिस्ट्रक्टिव माइंड का एक ये अपराधी था। तो इसके लिए ये जरूरी हो गया था कि हम लोग एक समेकित अभियान चलाएं। गोरखपुर और वाराणसी की यूनिट डेडिकेटेड रूप से इस पर काम कर रही थी और हमारे साथ हमारे एडिशनल एसपी यहाँ पर मौजूद हैं, श्री अरविंद चतुर्वेदी। ये लखनऊ से जो गोरखपुर यूनिट का पर्यवेक्षण करते हैं और हमारे बहुत ही काबिल, बहुत ही तेज तर्रार युवा जो पुलिस उपाधीक्षक यहाँ पर एसटीएफ यूनिट गोरखपुर देखते हैं, वो यहाँ मौजूद है। इनकी टीम बहुत ही अच्छी है। कई बार ये टीम इस अपराधी के पास पहुँची, बहुत क्लोज मार्जिन से ये अपराधी हमसे मिस हुआ और लेकिन हमारी टीम ने हार नहीं मानी। कई कई बार हम लोग बहुत छोटे नोटिस पर हम लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा इधर से उधर इस अपराधी को पकड़ने के लिए की, लेकिन किसी न किसी वजह से, अप्रत्याशित कारणों की वजह से इसका ये बचा। इस बीच एक लंबी फेहरिस्त इसकी हो गई थी जिसमें इसके द्वारा कई अपराध किए गए। आप लोगों को मालूम होगा आजमगढ़ में मऊ में इसने जो है एक दोपहिया वाहन मालिक की हत्या, इसकी दुकान शोरूम मालिक की हत्या करी और उसमें स्वचालित हथियारों का प्रयोग किया गया। हम लोग को लगातार सूचना मिल रही थी कि इसका संबंध जो है बिहार के कुछ गैंग मेंबर से हो गया है और वहाँ से भी इसको हथियार वगैरह मिलना चालू हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय था। इसी क्रम में जब कल हमको एक बहुत ही विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिली कि वो यहाँ पर आकर के किसी की हत्या करने के लिए जा रहा है, तो हमारी टीम ने जो है पहले की भांति इसको रोकने का जब प्रयास किया तो इसके द्वारा पहले भी दो अलग अलग ओकेजन्स पर इसने हमारी टीमों के ऊपर फायरिंग की हुई है। इस बार फिर इसने वही तरीका अपनाया और जो है अप्रत्याशित रूप से इसने टीम के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग जब चालू करी तो टीम ने भी जो है पूरे साहस का परिचय देते हुए जब आत्मरक्षार्थ जो फायरिंग करी उसमें एक घायल हुआ और इसको लेकर के निकटतम अस्पताल तुरंत ले जाया गया। वहाँ पर बाद में जो है इसको मृत घोषित किया गया। तो इस प्रकार ये अपराधी धर्मेंद्र सिंह और इसके गैंग पर हम लोग ने ये जो कल कार्रवाई हुई है इस पर निश्चित तौर पर हम आने वाली जो गैंग मेंबर्स हैं उस पर और कार्रवाई करके इनके मंसूबों को नाकाम करेंगे। एक बड़ी सफलता, एक बड़ी कामयाबी हमारी यहाँ गोरखपुर यूनिट को मिली है और निश्चित तौर पर इससे एक बहुत ही अच्छा एक संदेश जो है समाज में भी जाएगा और जिन लोगों को इसने प्रभावित, आतंकित कर रखा है उन्होंने भी एक चैन की सांस ली होगी पुलिस की इस कार्रवाई से।
और इसमें लगातार हमको बहुत अच्छी बात है, एसटीएफ का जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो होती है बड़ा सहयोग करती है, सभी जनपदों से हमको लगातार सहयोग मिल रहा था, चाहे वो मऊ हो, आजमगढ़ हो, बनारस, गोरखपुर से भी हमको बहुत अच्छा सहयोग मिला। समय समय पर कभी कभी हम लोग को लॉजिस्टिक्स की कमी रहती है, एसटीएफ के संसाधन सीमित हैं, ऐसे में हमको पुलिस सहयोग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो रेड हो, चाहे गाड़ी के रूप में हो, कभी कभी तो हमको तत्काल रूप से मिलती है। तो गोरखपुर पुलिस को भी जो है उनके सहयोग के लिए मैं बधाई दूंगा।